मेरे तरफ से बहुत बहुत रमजान करीम। आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव। तो हमें चाहिए इसके लिए आलू, पोटैटो, बीन्स की फली, लॉन्ग बीन्स, कैरेट, गाजर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, फ्राई ऑनियंस, और मसाले में ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, शाहजीरा, लाल मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, नमक, हल्दी पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले लिया है, अब मैं इसमें डालूंगी फ्राई ऑनियन का जो तेल है वही डालूंगी मैं, क्योंकि मुझे तेल में फिर प्याज फ्राई करना है पकने के लिए। अब मैं यहाँ पर प्याज डाल रही हूँ फ्राई होने के लिए। हमें थोड़ा लाइट ब्राउन करना है ये प्याज को। अब मैं इसमें डालूंगी शाहजीरा। आप देख सकते हैं फ्राई होना शुरू हो गया है लाइट ब्राउन। अभी मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसे भी अच्छा मिक्स कर लें। अभी मैं इसमें नमक और हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी। इसे भी अच्छा मिक्स कर लें। अब मैं इसमें कैरेट डालूंगी। कैप्सिकम भी डालूंगी। अब यहाँ पर मैं लॉन्ग बीन्स डालूंगी, बीन्स की फली। अब मैं कटे हुए आलू डालूंगी इसमें। इसे देखा मिक्स कर दूं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी ग्रीन पीस। अच्छा मिक्स कर लें इसे भी। हमें इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। अच्छा हाथ चलाते रहें कढ़ाई में ताकि नीचे दाग ना लगे, मसाला ना जले। अभी हम इसको ढक्कन ढककर पकाएंगे 5 से 10 मिनट तक। हमें कम आंच पर पकाने का है, एकदम कम आंच, और इसमें पानी नहीं डालना है। जब तक ये वेजिटेबल्स पकते हैं यहाँ पर हम खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 माप चावल ले लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, चमचे नमक जाएगा इसमें। अब इसमें जाएगा 4 से 5 हरी इलायची, 1 दालचीनी का, थोड़े लौंग और थोड़ा शाहजीरा 1 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी तेजपत्ता 1। चले इसे पकने रखते हैं ढककर। मैंने ढककर पकाया, पानी नहीं डाला इसमें, और ये वेजिटेबल्स अच्छे पक चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कुछ जाना चाहिए आलू। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल पकने आ रहा है। जैसे ही चावल आधा पक जाए हम इसे निथार देंगे। बिल्कुल बिरयानी की तरह चावल बनाना है हमें। हमारा चावल पक चुका है, अब मैं इसे निथार दूंगी। यहाँ पर मैंने चावल निथार दिया, मैं चावल थोड़ा डाल रही हूँ। बिल्कुल हमें एकदम बिरयानी के लेयर्स बिछाना है। अब मैं डालूंगी पूरे वेजिटेबल्स की यखनी। मैंने आधा इसमें डाल दिया है, अब मैं इसके ऊपर चावल डालूंगी। पहले मैं प्याज डालूंगी, फ्राई ऑनियंस। अब मैं फ्राई ऑनियन डाल रही हूँ, कुछ कोथमीर। मैं चावल डालूंगी, मैंने सारा चावल डाल दिया है। अब मैं इसमें फिर से तरकारी डालूंगी, वेजिटेबल्स डाल रही हूँ अभी। अब मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी इसमें, जिसमें प्याज फ्राई हुई थी वही तेल मैं यूज कर रही हूँ। ज़्यादा हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा ही। बाकी का प्याज डाल दूंगी मैं, और लास्ट में डालूंगी कोथमीर। मैं ढक्कन ढक कर इसे दम दे देती हूँ। अब हम तेज आंच पर दम देंगे इसे। जैसे स्टीम आता है कम आंच कर देंगे, और जैसे कम आंच पर स्टीम आना शुरू हो जाता है फिर मैं सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए बन के रेडी हो चुका है वेज पुलाव। मैंने इसके साथ सर्व किया है ढेंकी चटनी। इसमें मैंने प्याज नहीं डाला है, और
और आपको पसंद आए तो कमेंट में बोलना मुझे, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। फिर जल्द से जल्द नए रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।